कितनी हसीनों पे। हेलो, हाँ जी, कौन? देश का मजदूर नंबर वन हूँ। अरे मजदूर साहब, मालिक ने तुम्हें काम पे से निकाल दिया? झूठ बोलो। झूठ ना, सच में निकाल दिया। क्या कारण है? अच्छा, तुम्हें नौकरी से किसने निकलवाया था? आँखों की हरकतों ने। इसका मतलब तुम मालिक की लोंडिया को छेड़ते थे? बिल्कुल। और जब तुम मालिक की लोंडिया को भगाने की बात करते थे तो लोग मेरी मजाक उड़ा रहे थे। अच्छा मोदी जी, तुम्हारा दूसरा भाई क्या कर रहा है? मजदूरी कर रहा। परेशान मत हो, मैं तुम्हें दूसरी जगह काम दिलवा दूंगा। तुम क्या क्या काम कर लेते हो? बर्तन साफ करना, पानी भरना। लेकिन मोदी जी, इन वाले मालिक को नाराज मत कर देना। बड़ों को नाराज करने से मैं डरता नहीं हूँ भाइयों। और जब से तुम प्रधानमंत्री की सीट से हटे हो, तुम्हारे घर का दाना पानी बंद हो गया है। मोदी जी, अगर तुम्हें देश को और बर्बाद करना है तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। मोदी जी, तुमने हमारे देश को बर्बाद करके मेरा सपना पूरा कर दिया। ये ठीक किया ना मैंने? बहुत बढ़िया करा। और मोदी जी, ये गरीब लोग तुम्हें इस बार वोट दे देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा मोदी जी, तुम किस कारण से इलेक्शन लड़ रहे हो? कारण साफ है, नियत में खोट। और जब से तुमने गरीबों का गला पकड़ा है, गरीब चिल्ला रहे हैं, आओ मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। हाँ, मैंने भी यही सुना है। क्या आपको पता है? मोदी भारत देश के लिए बहुत खतरनाक है। ये अब आपको समझ में आ गया हो? तुमने ना सभी गरीबों का खाना पीना बंद कर दिया है। क्या यही है मेरे गुनाह? नहीं नहीं, ये तो बहुत सवाब का काम करा है तुमने। ये तो हमने सुना था। लेकिन मोदी जी, तुमने किसी गरीब की मदद क्यों नहीं करी? ये बहुत ही पर्सनल नेचर का सवाल है। मेरा मन बहुत करता है मैं गरीबों की मदद करूं। मेरा मन नहीं करता था। मोदी जी, सनी देवल की कॉल आ रही है, ऐसे ही रहना। घर विच डांग खड़ के। और क्या हाल है बड़े भाई? बंद करिए बड़े भाई का नाटक। अरे, अपने दोनों का एक रिश्ता है। रिश्ता विश्ता मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, फिर मैं तुम्हारी बहू को लेके भाग जाऊंगा। नेक पे हाथ डाल के कलेजा खींच लूंगा आराम को। फिर तुमने मुझे क्या बताने के लिए कॉल करी है? पुलिस ने मेरे नाम के साथ खूनी जोड़ दिया है। तुम खूनी हो, ये बात हमारा पूरा मोहल्ला जानता है। मगर मैं खूनी तभी माना जाऊंगा जब अदालत मुझे खूनी करार देगी। तुम जैसे मुजरिम को बचाना मोदी जी के चुटकियों का खेल है। सनी देवल, तुम हमारी तरह बेगुनाह और ईमानदार बनो। और आपके बारे में सब जानता हूँ मैं। क्या क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? कितने गुनहगारों को छुड़ाया आपने और उनको छुड़ाने के लिए कितनी कीमत ली आपने, सब जानता हूँ। तुम मुझसे पंगा मत लो, मैं सलमान खान के हिरन का केस तुम्हारे ऊपर डलवा दूंगा। तुम्हें क्या लगता है मोदी जी को कौन वोट देगा? काजल। काजल? काजल तो हमारी पार्टी में है। अरे दोबारा उसकी तरफ आंख उठाकर भी तूने देखा ना, जान से मार दूंगा। ना तुम्हारी ना मेरी, काजल की शादी उससे होगी जिसके सर पर सहरा होगा। मोदी जी, जब सनी देवल ने खून किए थे, ये चौकीदार जाग रहा था। अरे यार, चौकीदार तो डरपोक निकला। अगर उस समय मोदी होता तो तुम सनी पाजी से क्या कहते? कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके। क्यों सनी पाजी, करवा दिया ना जेल के अंदर? बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपको हंसाने के लिए नई नई वीडियो लाता रहता हूँ।